तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों भाई, आपको मैं बताऊंगा आज कि आपकी गाड़ी में पिस्टन बोर कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट थी मेरे पास आने की, मतलब रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भाई आप पिस्टन बोर के ऊपर बताओ, पिस्टन बोर कराना जरूरी होता है नहीं होता है जरूरी। और एक चीज़ और बताई थी उन्होंने मेरे को, बताई थी मतलब कमेंट में कि भाई पिस्टन बोर कराने से क्या एवरेज पे, पिकअप पे या फिर गाड़ी की लॉन्ग लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, या फिर ऐसा होता है कि गाड़ी में जैसा इंजन में मतलब नई गाड़ी ली थी जब इंजन की परफॉर्मेंस थी, क्या पिस्टन बोर कराने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस हो पाती है वापस। तो ये चीज़ें सारी शेयर करूँगा आपके साथ में और कम्प्लीटली जानकारी दूंगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा कम्प्लीट बिना स्किप किए देख लिया तो सच बता रहा हूँ आपको कभी भी बोरिंग को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे चीज़ों के बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ में नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन सी बातें मेरी अच्छी लगी, कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बात नहीं समझ में आई आपको, ताकि मैं आपको बता सकूँ फ्यूचर के अंदर। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा कम्प्लीट ब्लॉक डलवाएं या इसमें पिस्टन बोर कराएं, तो ये मैं आपको सब क्लियर कर देता हूं। पहली चीज ये, अगर आप कंप्लीट गाड़ी में बोर डलवा रहे हो, बोर करवा रहे हो, पहली चीज मैं आपको ब्लॉग में ना कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में, तो आपको देख के थोड़ा मतलब शॉक रह जाओगे कि हाँ चीज देख रहा हूं मैं ये, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि पिस्टन जब हम खरीदते हैं, नया खरीदते हैं पिस्टन, अलग से मिल जाता है उषा का, जब भी आप भी जानते हो, बट अगर भैया बजाज का पिस्टन खरीदते हो तो आपको नहीं मिलेगा। बजाज की पूरी कंप्लीट ब्लॉक किट मिलती है कि पिस्टन नहीं मिलता, हालांकि बजाज कंपनी उषा का पिस्टन डाल के देती है गाड़ी के अंदर। ये पिस्टन भी उषा का ही है जिसके अंदर निकला हुआ है, उषा का ही पिस्टन है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, देख रहे हो उषा का पिस्टन है। तो ये उषा का पिस्टन बजाज कंपनी डालती है अपनी गाड़ी में, क्योंकि बजाज कंपनी पिस्टन नहीं बनाती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है। अब अगर बात की जाए इस पिस्टन की, तो ये पिस्टन हमने साइड में कर दिया, ब्लॉक हमने साइड में कर दिया, ये हमने इसको साइड में रख दिया और इसको साइड में रख दिया। अब बात करते हैं पिस्टन ब्लॉक किट लेने पर हमारे को मिलता है 25 नंबर का पिस्टन। अब पिस्टन बोर कितनी बार करा सकें जिसके गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। देखो, एक गाड़ी की ना इंजन की समय सीमा होती है, एक सीमित होती है चीज़ें। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन में कार्बोरेटर दे रखा है, अब कार्बोरेटर की ट्यूनिंग हम कर देते हैं, हमारी गाड़ी में कार्बोरेटर की ट्यूनिंग के हिसाब से पेट्रोल एयर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जब गाड़ी के अंदर पिस्टन बोर कराते हैं, तो हमारी गाड़ी में पिस्टन बोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 50 नंबर तक का बोर कराना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप जब गाड़ी को पहली बार इंजन को खुलवाओगे, तो आपकी गाड़ी में 0 नंबर का पिस्टन निकलेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी का जो बंदा काम कर रहा है, मैकेनिक जो काम कर रहा है, और मैकेनिक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि खरादिया बहुत बढ़िया है, खरादिया में कोई कमी नहीं, खरादिया बहुत बढ़िया काम करता है, तो आपको अपनी गाड़ी में पिस्टन 25 नंबर का डलवा देना है। अगर माई चांस 25 नंबर का पिस्टन नहीं है, आपकी गाड़ी में 25 नंबर का निकला है, तो आपको 50 नंबर का डलवा देना है। बट उसमें क्या होता है, पिस्टन के अंदर 75 नंबर भी ऑप्शन होता है और 100 नंबर का भी ऑप्शन होता है। बट आपको क्या करना है, 75 नंबर और ये 100 नंबर ऑप्शन नहीं लेना है यूज़ में, आपको अपनी गाड़ी में 50 तक ही यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में 50 नंबर से पिस्टन निकला है और 50 से ऊपर डलवाना, तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी में एक सिलेंडर किट के अंदर एक पूरी कंप्लीट स्लिप डलवा देनी है। स्लिप क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं स्लिप। ये जो पिस्टन में अलग से देख रहे हो लोहे का पार्ट, ये स्लिप होती है, ये अलग से खराद वाला डाल देता है इसके अंदर। पर यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, स्लिप जो है वो सही मैकेनिक मतलब सही खराद वाला होना चाहिए। अगर सही खराद वाला नहीं हुआ, बेकार खराद वाला हुआ, तो ये स्लिप कोई भी काम की नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है स्लिप डलवाने का, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्लिप डलवाने से पुरानी ही सिलेंडर किट के अंदर वापस से 25 नंबर का पिस्टन आप बोर करा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब मान के चलो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादातर गाड़ियों में पिस्टन बोर क्यों करते हो, सिलेंडर किट क्यों नहीं डलवाते। मैं आपको इस चीज़ का ऑप्शन देता हूँ, बट बढ़िया बढ़िया सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर मैं सिलेंडर किट लेता हूँ तो खरीद के, तो बजाज के सिलेंडर की बजाज की गाड़ी में डाल दूंगा, तो बजाज कंपनी वाले अपनी तरफ से तो कुछ बोर करते नहीं है, पीछे से माल आता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो बोरिंग सिस्टम होगा, अगर 5000 पीस एक दिन में तैयार हो रहे हैं, अगर 6000 पीस एक दिन में तैयार हो रहे हैं, 60000 पीस एक दिन में तैयार, वो एक ही सेम पैटर्न होता है। अगर मान के चलो मेरी गाड़ी 220 और मेरे को पिस्टन थोड़ा सा टाइट बोर करवाना है, तो मैं सिलेंडर किट डलवाऊंगा ही नहीं, कॉमन सी बात है, क्योंकि सिलेंडर मेट में जहाँ पर जिस मैन्युफैक्चर प्लांट में सिलेंडर किट बन रही होगी, उस मैन्युफैक्चर प्लांट के अंदर हर सिलेंडर किट के अंदर जो बोरिंग सिस्टम है वो सेम का सेम डिट्टो पैटर्न में होता है। बट मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब गाड़ी खुलती है पहली बार, जैसे मान के चलो मेरे पास गाड़ी खुली है पहली बार, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर पिस्टन बोर करा के एक क्रॉस बोरिंग कराऊंगा। क्रॉस बोरिंग वो नॉर्मली बात है, एक नई गाड़ी सिलेंडर किट लोगे ना बजाज की, वो भी क्रॉस बोरिंग होकर आती है। बट यहाँ फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे मैं सिलेंडर किट के कंपैरिजन में फ़र्क क्या करूँगा, जो पिस्टन बोर किट कंप्लीट मुझे कंपनी से मिली है वो लूज होकर पिस्टन आता है, क्योंकि सारा सिस्टम उनका सेम होता है। मेरे को अपनी तरफ से पिस्टन टाइट रख के देना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाड़ी को जब मैं गाड़ी कस्टमर को दूँ, तो गाड़ी जमा होने के बाद पिस्टन उस स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में कंपनी का होता है, क्योंकि पिस्टन हल्का सा लूज हो जाए। बट अगर पिस्टन जो गाड़ी चलती है रोड पर स्टार्टिंग में ही हम उसके अंदर पिस्टन लूज डाल देंगे, तो हमारी गाड़ी में वो दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, चौथी सर्विस पर उसका इंजन का प्रेशर डाउन होने लगता है। और साथ में ज़्यादातर एक बात और बता देता हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है, गाड़ी के अंदर
वो कंप्रेसर डाउन होने के बाद पिकअप की वाइब्रेशन की इशू आने लगता है और कभी कभी तो गाड़ी में इतना लोड पड़ता है, इतना लोड पड़ता है कि वाल गाइड भी कट जाते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ पिस्टन 25 नंबर 50 नंबर क्यों डालना चाहिए, 75 नंबर क्यों नहीं डालना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये सिलेंडर किट है, ठीक है, ये पिस्टन है, अब ये 0 नंबर का निकला है, आप इसमें 25 का डालोगे, इसकी सेटिंग ट्यूनिंग और इसकी प्रॉपर तरीके से अलग तरीके से करनी पड़ेगी। 50 ये 0 नंबर का पिस्टन इसमें लग के आएगा, सेटिंग इसकी 0 नंबर के हिसाब से होगी, एयर और पेट्रोल 0 नंबर के हिसाब से जाएगा। अगर आप इसमें 25 नंबर का पिस्टन डाल दोगे तो गाड़ी में जो पहले सेटिंग करी हुई है, आपने ट्यूनिंग करी हुई है, CO लेवल सेट करा हुआ है इसकी ट्यूनिंग एयर पेट्रोल की, तो वो सेटिंग गलत हो जाएगी, वो आपको दोबारा से 25 नंबर के पिस्टन के हिसाब से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पिस्टन वाला एरिया है, जैसे कि पिस्टन जो है ये, जैसे कि ये जो पिस्टन है आपका, मैं बता देता हूँ, ये पिस्टन का साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ने से क्या होगा, आपकी गाड़ी में आपको एयर और पेट्रोल रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में अगर पिस्टन का साइज बढ़ जाएगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने मान के चलो 250 ग्राम चावल लिए, 5 किलो की पन्नी में डाल दिए, तो 250 ग्राम चावल 5 किलो की पन्नी में सही लगेंगे आपको या 250 ग्राम की पन्नी में सही लगेंगे, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। क्योंकि ये जो है ये बोरिंग सिस्टम का जो लैपिंग दे रखा होता है, इसकी सीट जो है पतली हो जाती है। अब ये सीट मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो सीट है ये उठापन है ना, ये जब हम इसमें 100 नंबर का पिस्टन डालेंगे तो ये बिल्कुल भी उठापन नहीं होगा, एकदम प्लेन हो जाएगा और इसकी पतली हो जाएगी ये, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर हीटिंग की परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी और आपकी पाड़ी में पिस्टन का जो एक दो मतलब लॉन्ग लाइफ होती है बिल्कुल नहीं रहेगी, मतलब पिस्टन लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। पिस्टन 100 नंबर का बहुत ज़्यादा पतला कर देता है स्लिप को, 25 नंबर का और 50 नंबर का पिस्टन में क्या होता है, इस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिससे गाड़ी में आपकी कामयाबी हो जाती है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप मान के चलो 25 नंबर का पिस्टन नहीं डाल रहे, 50 नंबर का पिस्टन डाल रहे हो, तो भी 50 नंबर के पिस्टन के हिसाब से पिस्टन का साइज़ बढ़ गया। अब जब पिस्टन का साइज़ बढ़ जाएगा तो हर चीज़ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी गाड़ी में जो ट्यूनिंग आपको करनी है वो ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से 50 नंबर के पिस्टन के हिसाब से करनी पड़ेगी। ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम गाड़ी का इंजन फिट करते हैं, अगर हमने पिस्टन, देखो पिस्टन होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे इंजन के अंदर जो क्लच वाला पैनल है, गियर बॉक्स है, टाइमिंग चेन, ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जो समझा रहा हूँ अभी उसके लिए पिस्टन इंपॉर्टेंट है। पिस्टन जो होता है उसके ठीक ऊपर कारोटर से, अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो थ्रॉटल बॉडी से, और अगर आपकी गाड़ी कारोटर है तो कारोटर से एयर और पेट्रोल जाता है, उस पिस्टन के ऊपर चले जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जाता है यहाँ पर। अब मान के चलो इसमें 25 नंबर का पिस्टन डाला हुआ है और पहले आपने गाड़ी में 0 नंबर का पिस्टन डलवा रखा था, अब 0 से आपने पिस्टन को चेंज करा के 25 का डलवा दिया, तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर रेशू है वो तो 0 वाला ही आ रहा है ना, यहाँ पर 25 नंबर का तो आ नहीं रहा है वो, है ना। तो उसमें क्या करोगे, आप कारोटर की स्टार्ट करोगे इंजन को और उसकी 25 नंबर के पिस्टन के हिसाब से जो सेटिंग आनी चाहिए टैकोमीटर से या फिर अंदाजे से, आप उसके हिसाब से सेटिंग करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ब्लास्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना मैं हूँ, जितना हैवी मैं लग रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को अपनी ताकत के अनुसार धक्का दूंगा तो वो चले जाएगी, अगर मेरे से छोटे हाइट का या मेरे से कमज़ोर इंसान लेके आऊँगा और उसको धक्का दूंगा तो बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। फोर यही तरीका है, इसको धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, पुश करने के लिए इसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से पहले एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो आता है। अगर मान के चलो इसने आपने 100 नंबर का पिस्टन डाल दिया, काफ़ी बड़ा, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी में ब्लास्ट की मात्रा बढ़ जाएगी और एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो स्लाइड है, जिसको बोलते हैं क्यूब, ये रहा, ओह माय गॉड, ये होता है क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब, जो हमारी CC होती है ना, CC, वो इस क्यूब के अंदर, क्यूब इस क्यूब के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो इसकी स्पेस होता है उसके हिसाब से ही मापी जाती है। अगर आप इसका साइज मतलब एकदम पतला करके इसमें पिस्टन बड़ा डाल दोगे तो ऑटोमेटिक इसकी साइज में पतलावन आ जाएगा और ये इसकी थिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक यानी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से जब इसके बीच में ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने से पिस्टन ज़्यादा मात्रा में हीट होगा और आपकी गाड़ी में पिस्टन की लाइफ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 75 नंबर और 50 नंबर, 75 नंबर और 100 नंबर के पिस्टन कामयाब नहीं होते हैं। अगर आपके पास मैकेनिक, आप मैकेनिक और आपकी दुकान है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके हिसाब से 75 नंबर 100 नंबर पिस्टन कामयाब हो सकते हैं बोरिंग के? भाई मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो ये पूरी वीडियो में एक ही निचोड़ निकाल के दे दूंगा आपको मैं, कि अगर कभी भी अपनी गाड़ी आप खुलवा रहे हो, चाहे आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, 75 नंबर 100 नंबर का पिस्टन मत डलवाना, मत बोर करवाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सारी कंपनियों में 75 नंबर का भी पिस्टन मिल जाएगा, 100 का भी मिल जाएगा। अगर आपको पिस्टन बोर कराना है तो 25 का कराओ, 50 का कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ तो मैं खुद 25 और 50 तक का जाता हूँ, उसके बाद नहीं जाता। अगर मुझे लगता है किसी गाड़ी में ब्लॉक किट पूरी 100 नंबर की हो चुकी है तो मैं अपने खराब वाले से बोल के स्लिप डलवाता हूँ। स्लिप के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, वो होती है पिस्टन बोरिंग, वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्रॉस बोरिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इसका सिलेंडर जो है ना, इसका सिलेंडर जो है घिस चुका है, खराब हो चुका है, इसका 25 0 नंबर पिस्टन हट चुका है, इसमें 25 का लगेगा। बट यहाँ देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपको दिखानी है, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है,
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं इसमें कपड़ा मारता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको गौर कर दिखाना, आपको ढंग से देखना। देखो अगर आप इसमें 100 नंबर का पिस्टन बोर कराता ना गाड़ी में, तो ये जो क्रॉस बोरिंग आप देख रहे हो, ढंग से देखो गौर से, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको देखना ये क्रॉस क्रॉस, जबकि इसमें पिस्टन बोर नहीं हो रखा, पुराना पिस्टन है इसमें, ठीक है, इसमें क्रॉस बोरिंग देख रहे हो, ये क्रॉस बोरिंग होती है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान के चलो आपका खराद वाला ये बोल रहा है आपसे, भैया मुझे क्रॉस बोरिंग के बारे में नहीं पता है, तो किसी और से करा लो, कोई ना कोई खराद वाले को तो पता ही होगा क्रॉस बोरिंग क्या होती है। क्रॉस बोरिंग उसको बोलते हैं जब हम पिस्टन ब्लॉकेट खरीद के लाते हैं कंपनी से, तो उस कंपनी के अंदर वो पैटर्न फॉलो किया होता है, जो किसको बोलते हैं क्रॉस बोरिंग। क्रॉस बोरिंग जो होती है वो हमारी गाड़ी में जब हम लैपिंग करते हैं, तो लैपिंग को क्रॉस की तरीके से वो लैपिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की पिस्टन की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी किताबी ज्ञान की तरह नहीं बोल रहा आपको, क्योंकि ऐसा होता है जब आप पिस्टन, जैसे कि मान के चलो आपने ये कंप्लीट पूरी की पूरी किट ले ली बाजार से और ला के अपनी गाड़ी में डाल दी, ठीक है, अब आपने इस पूरी पूरी किट में, पुराने ही किट में पिस्टन बोर करा दिया 25 नंबर का, और आपने करा दिया बोरिंग कंपनी के तरीके से, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंपनी के तरीके से पुरानी ही बोरिंग में हो गई, पुरानी पिस्टन में बोरिंग हो गई, तो ये सही है, या फिर कंपनी के तरीके से पूरा पिस्टन लूज हो गया ऑलरेडी आया वो ठीक है। तो गाड़ी के हिसाब से पिस्टन बोरिंग होती है, पिस्टन जितना लूज चाहिए उतना लूज मिलता है, जितना टाइट चाहिए उतना लूज मिलेगा, टाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा होता है पैटर्न फॉलो, मैं इस चीज़ को करता हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट मन में हुआ है या कन्फ्यूजन हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। गाड़ी के अंदर 100 नंबर 75 नंबर का पिस्टन कामयाब नहीं होता है। अगर स्कूटी की बात की जाए तो स्कूटी एक्टिवा में पिस्टन बोर ही कामयाब नहीं होता, पूरी किट डालना समझदारी होती है। बाकी अगर बात की जाए कोई और गाड़ी स्कूटी वो स्कूटी, तो कभी ज़्यादातर गाड़ियों में स्कूटी में पिस्टन बोर भी कामयाब हो जाता है, और ज़्यादातर गाड़ियों में पिस्टन बोर कामयाब नहीं भी होता है। पर पिस्टन 50 नंबर से ऊपर अगर जाते हो आप, 100 नंबर 75 नंबर, तो फिर मुझे लगता है समझदारी नहीं है, पैसा और दोनों चीज़ टाइम वेस्ट है। अगर कोई भी मैकेनिक आपसे बोल रहा है कि 100 नंबर का पिस्टन कामयाब हो जाएगा, या तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है, या फिर वो समझ लो या वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। कुल मिला के गारंटी ले लो, जिम्मेदारी ले लो, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा आपको, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया इस वीडियो में, बाकी नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए करता रहता हूँ, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, करना भी क्या, नीचे लाल वाले बटन को ब्लैक कर देना है, और नीचे कमेंट करके बताना है क्या आपको पता था इस बारे में, अगर नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।